Perfect. फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर जब हम डोसा बनाने की सोचते हैं तो दाल भिगोने के बाद, पीसने के बाद हम उसको बाजार जाकर पिसवा कर लेकर आते हैं, क्योंकि घर में वो डोसा बटर प्रॉपरली पिस नहीं पाता। अब यहाँ जो सबसे जरूरी चीज है फ्रेंड्स, वो है उसका परफेक्ट माप, कि कितनी क्वांटिटी में हम कौन सी दाल लें, कितना रेशो किसका होना चाहिए, और वो एक चीज हम क्या डालें कि बढ़िया गोल्डन क्रिस्पी कलर आए हमारे डोसे में। तो ये है वो चीजें, बिल्कुल यही स्टेप्स फॉलो करके आप इसको बनाइएगा और बिल्कुल इसी तरह से आप माप लीजिएगा। मेरी गारंटी है 100% परफेक्ट डोसा बैटर तैयार होगा। और इस डोसा बैटर को आप लंबे समय तक कैसे रख पाएं, या अगर खटास आ भी जाए तो आपको क्या ट्रिक अपनानी है, वो भी मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और ये वीडियो होने वाली है बहुत खास, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं करने वाली हूँ बहुत ही एक्साइटिंग गिव अवे अनाउंसमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। होटल और रेस्टोरेंट जैसा परफेक्ट डोसा और परफेक्ट डोसा बैटर कैसे बनाएं, उसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप चावल। अब यहाँ जो मैंने चावल लिया है वो मैंने लिया है सोना मसूरी राइस। सिंपल वाला चावल आप ले सकते हैं, बासमती चावल इसके लिए बिल्कुल ना ले। वैसे डोसा राइस यूज किया जाता है, लेकिन डोसा राइस हर जगह मिलता नहीं है, तो ये जो नॉर्मल वाला चावल होता है ना, थोड़ा छोटा वाला जो हम रेगुलर में बनाते हैं, बस आप वो ले लीजिए। यहाँ पर मेजरमेंट के लिए आप घर की कोई भी कटोरी या कोई कप ले लीजिए और उसी से पूरा माप आप लीजिए। बिल्कुल परफेक्ट आपका डोसा बैटर बनेगा, कोई गलती नहीं होगी। ये वाला जो नॉर्मल वाला राइस होता है, इससे जो डोसे का क्रिस्प है वो बहुत बढ़िया आता है। 2 से 3 बार पहले बढ़िया से चावल को धो लेंगे, जिससे कि जो भी डस्ट वगैरह हो वो निकल जाए, और धो करके इसको बढ़िया से लगभग 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे, जिससे चावल एकदम बढ़िया फूल जाए और जब हम बैटर तैयार करें तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी आए बैटर में। अब जो नेक्स्ट जरूरी चीज है परफेक्ट डोसा बनाने के लिए, वो है उड़द दाल। तो यहाँ जो रेशो रहेगा, मैंने लिया 2 कप चावल, तो उसके अनुसार यहाँ मैं ले रही हूँ 1/2 कप उड़द दाल। जो रेशो मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल इसी रेशो से आपको डोसा बैटर तैयार करना है, तभी वो बाजार जैसे डोसे तैयार होंगे, क्योंकि परफेक्ट डोसा बैटर तैयार होगा तभी परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा डोसे में भी। अब साथ ही मैं अपने डोसे में परफेक्ट कलर आए और बढ़िया कुरकुरापन आए, तो उसके लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ होटल वालों की सीक्रेट चीज, चना दाल। सिर्फ 2 बड़ा चम्मच के करीब यहाँ पर हम चना दाल डालेंगे। इसको डालना ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इससे जो टेक्सचर है डोसे का वो बहुत बेहतरीन आता है। अब जो नेक्स्ट सीक्रेट चीज इसमें जाएगी, वो है 1 छोटी चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना आप जरूर डालें, एक तो इससे कलर बहुत अच्छा आता है, और जब हम इसे फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे, यानी खमीर उठाने के लिए रखेंगे, तो ये खमीर उठाने में हेल्प करता है। और वापस पानी डाल करके इसको भी हम लगभग 3 से 4 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। सब चीजें जब बढ़िया से फूल जाएंगी, उसके बाद ही हम अपना डोसा बैटर तैयार करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सभी चीजों को एक साथ क्यों नहीं भिगोया, क्योंकि सभी चीजों को भीगने का समय भी अलग होता है और हमें इन्हें 2 तरह के टेक्सचर में पीसना है। साथ के साथ जब आप इसे अलग अलग भिगोते हैं तो जो खमीर है वो ज्यादा बढ़िया उठता है। और ये लीजिए, बिल्कुल बढ़िया से हमारी दाल अच्छे से फूल गई है, ये देखिए। अब इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसी से हम अपनी पूरी दाल पीसेंगे। यदि आपको पानी ज्यादा लगे तो थोड़ा पानी इसमें से हटा दीजिए। तो आपने देखा कि दाल हमारी बिल्कुल परफेक्टली फूल गई है। अब आता है नंबर परफेक्ट डोसा बनाने के लिए, डोसा बैटर बनाने का, यानी उसे पीसे कैसे कि एकदम परफेक्ट टेक्सचर और कंसिस्टेंसी आए, कि हमारे डोसे में जो रिजल्ट है वो भी एकदम बाजार से भी बढ़िया आए। तो आज मैं अपने डोसा बैटर की दाल को पीसने वाली हूँ मेरे फेवरेट हैमिल्टन बीच मिक्सर ग्राइंडर में, जो हमारे काम को कर देता है बहुत ही आसान। और ये है मेरा ऑलराउंडर मिक्सर ग्राइंडर। इसको बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेशनल शेफ्स भी यूज करते हैं, और जब से मैंने इसको यूज करना शुरू किया है, इसने मेरे मुश्किल से मुश्किल काम को एकदम आसान बना दिया है। चलिए तो फटाफट से दाल को पीस लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ हमारा हैमिल्टन बीच जूसर मिक्सर ग्राइंडर का 1 लीटर वाला बैट जार। सारी दाल को पानी सहित ही डाल देंगे। इसका हमें बनाना है एकदम स्मूथ गाढ़ा पेस्ट, मतलब ऐसा समझिए बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं। ऊपर से लगाएंगे लेड और इसे लॉक कर देंगे। जार को ग्राइंडर में फिट करेंगे, इस तरह से हो जाता है ये लॉक। और अब प्रीसेट मेनू में जाकर बैट हार्ड पर इसको हम मीडियम कंसिस्टेंसी का पीस लेंगे। कोई झंझट नहीं है कि आपको बार बार लिट खोलना है या चम्मच से घुमाना है, बहुत ही आसानी से बस एक बार प्रीसेट मेनू बटन दबाइए, ऑटोमेटिकली एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी की हमारी दाल पिसकर तैयार हो जाएगी। और हाँ, इसके ऊपर हाथ रखने की भी जरूरत नहीं। यूजुअली हम मिक्सी वगैरह के ढक्कन के ऊपर हाथ रखते तब उसे पीसते, इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा लॉक सिस्टम है कि जब तक ये परफेक्टली लॉक नहीं होगा हमारी मिक्सी चलेगी ही नहीं। एक मिक्सर ग्राइंडर में हम सभी लोग क्या चाहते हैं कि जब भी हम कोई चीज
पीसे, स्पेशली कोई दाल वगैरह या कोई हार्ड इंग्रेडिएंट उसमें पीसे जैसे हल्दी वगैरह, तो हमारी जो मिक्सी है वो गर्म नहीं हो, ये हम सभी चाहते हैं, या उसमें कोई खराबी ना आए या फुक ना जाए। तो बस आप बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हैं, क्योंकि आप हैमिल्टन बीच मिक्सर ग्राइंडर में हार्ड से हार्ड, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग, टफ से टफ इंग्रेडिएंट आसानी से पीस सकते हैं, और ये बिल्कुल गर्म भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें है 1400 वाट की कमर्शियल ग्रेड मोटर जो इसको एकदम पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर बनाती है। तो इसका जो पावरफुल फंक्शन है, इसकी जो फंक्शनिंग है वो इतनी अच्छी है कि मेरा हर काम इसने कर दिया है बहुत ही आसान। सबसे अच्छी चीज जो मुझे हैमिल्टन बीच मिक्सर ग्राइंडर में लगी वो इसके है 13 प्रीसेट मेनू, जिससे बैट, ड्राई और सभी तरह के इंग्रेडिएंट्स को हैंडल कर सकते हैं, और हर बार आप डोसा या इडली बैटर बनाएं या फिर मसाला पेस्ट, हर बार आपको रिजल्ट मिलेगा एकदम प्रोफेशनल वाला। और इसके साथ आपको मिलते हैं 3 स्टेनलेस स्टील के जार। इनकी खास बात क्या है, जब तक आप इसके लॉक को बंद नहीं करेंगे, आप कितना भी मिक्सर ग्राइंडर चला लीजिए ये चलेगा ही नहीं, वर्क ही नहीं करेगा। तो ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी। साथ ही साथ इसके जो ये आप लिड देख रहे हैं, ये है लीक प्रूफ लिड, ये देखिए। तो अब आप सूप बनाइए या कोई भी चीज बनाइए, बिल्कुल मैस फ्री, किचन गंदा नहीं होगा, निकल निकल के चीजें बाहर नहीं आएंगी, जैसे चटनी वगैरह जब बनाते हैं तो अक्सर यही प्रॉब्लम होती है, हमें हाथ रखना पड़ता है। इसके ऊपर आपको हाथ रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हम ये लॉक इस तरह से लगा देते हैं तो ये खुलेगा ही नहीं, ना ही कोई भी चीज बाहर निकल कर आएगी, क्योंकि बिल्कुल लीक प्रूफ इनको बनाया गया है। और ये देखिए, परफेक्ट कंसिस्टेंसी और टेक्सचर, बिल्कुल इसी तरह का हमें इसको स्मूथ पीसना है। तो बस अपने दाल वाले मिक्स को एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। चलिए तो फटाफट से चावल को भी पीस लेते हैं। और ये देखिए, चावल भी बिल्कुल बढ़िया से सोख हो गए हैं, परफेक्ट। चावल का पानी भी बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, यदि ज्यादा लगे तो आप थोड़ा कम कर दें। अब उसी ग्राइंडिंग जार में जिसमें अभी हमने दाल पीसी ना, उसी में ये सारा चावल हम पानी सहित डाल देंगे, और इसी स्टेज पर इसमें हम डालेंगे 1/4 कप पोहा। इसको होटल वाले जरूर डालते हैं, इससे क्या होता है कि जो डोसा है वो हल्का सा फ्लफी बनता है, हल्की सी सॉफ्टनेस होती है, तो खाने में बहुत बढ़िया लगता है। तो बस लिड लगाएंगे और जार को लगाएंगे मिक्सर पर, इस तरह से लॉक करेंगे। अब बैट हार्ड पर जाकर कोर्स कंसिस्टेंसी का इसको पीस लेंगे, मतलब जब छुए तो आपको रवा जैसा लगे। स्टार्ट बटन ऑन करेंगे, आप ये देख भी सकते हैं ऊपर से कि परफेक्टली हमारा चावल पिस रहा है। बहुत ही अमेजिंग जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, जब आप इस पर काम करेंगे आपको ये बेहद पसंद आएगा। और लीजिए, चावल भी पिसकर बिल्कुल तैयार है, ये देखिए कंसिस्टेंसी परफेक्ट। और उंगली पर जब आप छुएंगे तो आपको देखिए हल्का सा ना दाना फील होगा, ऐसा हमें चावल को पीसना है, इसीलिए मैंने दोनों चीजों को अलग पीसा, दोनों चीजों को अलग भिगोया था। फटाफट से चावल के बैटर को भी दाल में ही मिक्स कर देंगे। अब अच्छे से करेंगे सभी चीजों को मिक्स। अब एक बार हाथ से बढ़िया से फेंट देंगे, ऐसा करने से जो खमीर है बहुत ही इजीली उठ जाता है, एकदम परफेक्ट फर्मेंटेड हमारा बैटर तैयार होगा। लीजिए, अब बस इस पर लगाएंगे लिड। अब बैटर को रख देंगे एक सुरक्षित जगह पर जहां पर कोई इसे छुए नहीं, बिल्कुल बढ़िया से ढक करके, या तो टॉवल से ढक दीजिए या किसी शॉल से, और इसको लगभग 7 से 8 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। कोई आपको इसमें सोडा, फ्रूट सॉल्ट कुछ डालने की जरूरत नहीं है। खमीर उठने में कितना समय लगेगा ये डिपेंड करेगा वेदर पर, अगर ज्यादा गर्मी है तो कम समय लगता है, अगर ठंडा मौसम है तो लगभग 10 घंटे भी लग जाते हैं। वाओ, बेहतरीन, आप देख सकते हैं जबरदस्त एयरी, लाइट, वॉल्यूमाइज्ड हमारा डोसा बैटर तैयार हुआ है। ये देखिए एयर पॉकेट्स, परफेक्ट रेशो लेंगे और फिर परफेक्ट आपका गोल्डन क्रिस्पी डोसा भी बनेगा। ये देखिए कितना फ्लफी हो गया, कितना वॉल्यूमाइज्ड। अब इसमें से जितना आपको यूज करना है बैटर अभी वो निकाल लीजिए, उतने में ही नमक मिलाइए, हल्के हाथ से जेंटली इस तरह से मिक्स करेंगे। आप इस डोसा बैटर को इस तरह बना करके फ्रिज में रख दीजिए एक एयर टाइट बॉक्स में, और आराम से आप 5 से 6 दिन इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे फ्रीजर में रखेंगे तो 15 दिन आप इसे यूज कर पाएंगे। बैटर को निकालिए, वो आपको थोड़ा गाढ़ा लगेगा, आधा घंटा इसी तरह छोड़ दीजिए। अगर आपको लगे बैटर में खटास आ गई है 4-5 दिन बाद, तो आप ये कर सकते हैं कि आप कोकोनट मिल्क यानी नारियल का दूध लें, नारियल जो फ्रेश वाला होता है उसे मिक्सी में डालिए, थोड़ा पानी डालिए, पीस लीजिए, छान लीजिए, आपको कोकोनट मिल्क तैयार मिल जाएगा। उस कोकोनट मिल्क को आप बैटर में डालकर अच्छे से मिक्स कर दीजिए, आपका परफेक्ट फ्रेश डोसा बैटर है तैयार। फिर आप उससे डोसे इजीली बना सकते हैं, आपको खटास बिल्कुल फील नहीं होगी। ये है मेरी वो सीक्रेट वाली टिप।
और ये देखिए परफेक्ट बैटर हमारा तैयार हुआ है इतनी आसानी से। इससे बनेंगे हमारे सुपर क्रिस्पी गोल्डन होटल जैसे कुरकुरे डोसे। तो देखा आपने हैमिल्टन बीच मिक्सर ग्राइंडर में मैंने अपने डोसे बैटर को तैयार किया और आप देख सकते हैं बैटर गर्म नहीं हुआ है। ये खास बात है क्योंकि जब बैटर गर्म हो जाता है तो नेक्स्ट डे ही वो खटास पकड़ लेता है, खराब हो जाता है। यूजुअली जब हम घर के मिक्सर ग्राइंडर में पीसते हैं तो अक्सर यही प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा पीसते ही या तो ग्राइंडर गर्म हो जाता है और बैटर में पीलापन आ जाता है, तो जिसकी वजह से जब हम इडली या डोसा बनाते हैं तो उनमें वो बात नहीं आ पाती, इडली भी पीली पड़ जाती है। तो ये है सबसे जरूरी पॉइंट। दूसरा, जब आप हैमिल्टन बीच मिक्सर ग्राइंडर में डोसा बैटर को तैयार करेंगे तो आप खुद ही पाएंगे कि डोसे की कंसिस्टेंसी, कलर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। बाजार में पिसवा कर लाने की तो जरूरत ही नहीं है। अब ये सिर्फ डोसा बैटर या इडली बैटर के लिए ही नहीं, आप इसमें दही बड़े की दाल, मेदू बड़े के लिए जो हम दाल प्रिपेयर करते हैं, उन चीजों को पीसने में दिक्कत होती है क्योंकि बार बार उसको चम्मच से चलाना पड़ता है, गाढ़ा रखना पड़ता है मेदू बड़ा का घोल, तो उसके लिए तो आपको मतलब बिलीव ही नहीं होगा कि हैमिल्टन बीच मिक्सर ग्राइंडर ने आपका काम कितना आसान कर दिया है। परफेक्ट टेक्सचर आएगा मेदू बड़े के लिए भी जो एक बैटर में होना चाहिए। चलिए फटाफट से बनाते हैं बाजार जैसा क्रिस्पी डोसा। उसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ लोहे का तवा, ये मैंने कास्ट आयरन तवा लिया है। आप चाहें तो नॉनस्टिक तवा भी ले सकते हैं। जो लोहे के तवे होते हैं उन पर जो डोसा होता है काफी बढ़िया कलर का आता है, क्योंकि भारी तवा होगा तो डोसे में भी बढ़िया रंगत आएगी। तवे को पहले मीडियम फ्लेम पर बढ़िया गर्म करेंगे, कुछ बूंद पानी की छींटे डालेंगे इस तरह, और एक बार इस तरह से किचन टॉवल से पोंछ लेंगे। डोसा बनाने में सबसे खास बात यही आपको ध्यान रखनी है कि तवा गर्म होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा गर्म नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं। अब हम लेंगे एक करछी भरकर बैटर और अच्छे गर्म तवे पर बगैर घी तेल लगाए इसी तरह से, क्योंकि ये नॉनस्टिक है, डाल देंगे और इस तरह सर्कुलर मोशन में घुमाते चले जाएंगे और डोसा फैलाते जाएंगे। बहुत ही आसान है, एक दो डोसे आप बना लेंगे ना, तीसरा आप परफेक्टली बना पाएंगे। ये देखिए बेहतरीन। अब फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम, क्योंकि तवा पहले से ही अच्छा गर्म है और बढ़िया उसमें कलर आए इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा हाई फ्लेम पर इसको ना बनाएं, लो मीडियम फ्लेम पर बढ़िया इसको हीट लगेगी तो अच्छा कलर पकड़ेगा डोसा। ये देखिए ऊपर की सरफेस एकदम बढ़िया से सूखी सूखी सी दिख रही है। इस स्टेज पर डालेंगे घी, बटर या तेल, किसी में भी आप डोसा बना सकते हैं, और इसी तरह सिकने देंगे। डोसे को बस एक ही साइड आप सेकें क्योंकि स्टीम से ये ऊपर से बिल्कुल बढ़िया सिक जाता है। साउथ इंडियन स्टाइल जो डोसे होते हैं उन्हें इसी तरह से सेका जाता है, और डोसे में बिल्कुल परफेक्ट कलर मुझे नीचे दिख रहा है, तो बस इस स्टेज पर साइड से इस तरह से उठाएंगे और इस तरह फ्लिप कर देंगे। वाओ, बहुत ही बढ़िया शानदार क्रिस्पी गोल्डन डोसा हमारा बनकर के तैयार हुआ है। तो लीजिए, हो गया ना आपके लिए अब घर में होटल रेस्टोरेंट जैसा डोसा बनाना आसान। उसके लिए सिर्फ जरूरी चीज है परफेक्ट डोसा बैटर जैसे मैंने आपको बताया। और अब ये देखिए डोसे का क्रिस्प। आवाज बने ना एकदम क्रिस्पी करारे गोल्डन। इसी तरह हम बाकी डोसे भी तैयार कर लेंगे। जरूर जरूर ट्राई करें इस तरह से डोसा बैटर, आपका डोसा भी परफेक्ट बनेगा 100%। तो ये था ऑथेंटिक साउथ इंडियन स्टाइल परफेक्ट डोसा बैटर बनाने का तरीका। तो वो वाला जो आप होटल में या उडुपी वगैरह में साउथ में खाते हैं ना डोसा, इस तरह से लाल चटनी लगा हुआ या फिर गन पाउडर लगा हुआ, इस तरह भी तैयार कर सकते हैं। तो देखा आपने कि परफेक्ट डोसा बैटर घर में बनाना कितना आसान है, और साथ के साथ आप डोसे का रिजल्ट देख सकते हैं, सुपर क्रिस्पी बना है ना। हैमिल्टन बीच अमेरिका की नंबर वन किचन अप्लायंस ब्रांड है। इस पर हमें मिलती है 5 साल की वारंटी। अब 5 साल की वारंटी सिर्फ मोटर पर ही नहीं है, पूरे प्रोडक्ट पर है, यानी कि पूरी फंक्शनिंग पर ये आपको 5 ईयर की वारंटी देते हैं, और क्या चाहिए। तो आप भी अगर हैमिल्टन बीच मिक्सर ग्राइंडर परचेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन परचेस करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप भी इसे परचेस करके अपने किचन को एकदम स्मार्ट और अपने काम को आसान बना सकते हैं। चलिए, तो क्रिस्पी डोसा तो हमारा बन गया है। अब इस वीडियो में जो एक खास चीज और होने वाली है आप सभी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज। तो फ्रेंड्स, हैमिल्टन बीच इस वीडियो कोलैबोरेशन के द्वारा एक गिव अवे अनाउंस कर रहा है, और इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना बहुत आसान है, जस्ट 3 स्टेप। नंबर 1, कुक विद पारुल और हैमिल्टन बीच इंडिया YouTube चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। YouTube चैनल के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। नंबर 2, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नंबर 3,
हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि जूसर मिक्सर ग्राइंडर मिलने पर आप सबसे पहली चीज क्या बनाएंगे। और विनर को हैमिल्टन बीज द्वारा दिया जाएगा एक जूसर मिक्सर ग्राइंडर। है ना कितना एक्साइटिंग। विनर की अनाउंसमेंट हैमिल्टन बीज अपने यूट्यूब चैनल पर 16 तारीख को दोपहर में 2 बजे करेंगे। तो अब देर कैसी, फॉलो कीजिए वो 3 स्टेप और फटाफट से जीतिए ये हैमिल्टन का जूसर मिक्सर ग्राइंडर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के ये डोसा बैटर की और परफेक्ट डोसा बनाने की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।